जोजो किड्स। एक दिन कालू कौवा बहुत बीमार हो गया। उसे बहुत जोर जोर से पेट में दर्द होने लगा। अरे ये मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आ, 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 बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई ले लेनी चाहिए, वैद्य जी के पास जाना होगा। जैसे तैसे बेचारा कालू वैद्य जी के पास पहुंचा। वैद्य जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू। कालू क्या हुआ, आज यहाँ कैसे? क्या बताऊँ वैद्य जी, आज सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द है। आपकी कोई दवाई शायद काम करे, आप कोई दवाई दे दीजिए। वैद्य जी ने बड़े ध्यान से कालू की जांच की। अरे कालू, तुम्हारा पेट तो बिल्कुल ठीक है, जरूर तुमने कल बहुत ज्यादा भोजन किया होगा। आप ठीक कहते हैं वैद्य जी, कल मैं एक शादी में गया था, वहाँ इतने सारे पकवान देखे कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं सब कुछ खा गया। तुम खाने में इतने मग्न हो गए कालू कि भूल गए कि तुम्हारा ये छोटा सा पेट उसे पचा भी पाएगा या नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, इसे खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। मगर याद रखना, हमेशा अपने पेट के मुताबिक और भूख के मुताबिक ही खाना चाहिए, ज्यादा खाने से पेट में दर्द हो जाता है। जी वैद्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात में हमेशा ध्यान रखूंगा। कालू कौवे को खाने का बहुत शौक था। जैसे ही वह वैद्य जी के घर से बाहर निकला, उसे रास्ते में एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ दिखा। अरे इतने मीठे और बड़े बड़े अमरूद, ये तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। कालू अमरूद खाने ही वाला था, तभी उसे वैद्य जी की बात याद आ गई। अरे नहीं नहीं, मुझे अपनी इसी आदत को अब बदलना होगा, जितनी जरूरत है उतना ही खाऊंगा, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। कालू अब समझ गया था कि उसे अपनी क्षमता के हिसाब से ही खाना खाना चाहिए। कबूतर और शिकारी। एक विशाल पेड़ पर कबूतरों का बड़ा सा परिवार रहता था। सबसे बड़े और बूढ़े कबूतर को सब दादा कबूतर कहते थे और उनकी बात भी मानते थे। उठो बच्चों, चलो दाना चुगने चलते हैं। दादा कबूतर अपने साथ सभी को लेकर दाना चुगने निकल पड़े। आज तो इतनी देर हो गई भटकते भटकते, कहीं खाने को कुछ नहीं मिल रहा। हिम्मत मत हारो, हम थोड़ी और आगे चलते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बहुत देर तक ढूंढने पर भी कबूतरों को भोजन नहीं मिला, पर वहीं पास में एक शिकारी ने कबूतरों के लिए बड़ा सा जाल बिछा रखा था, जिसे उसने दानों से ढक दिया था। वो देखो कितने सारे दाने, इससे तो बहुत दिनों तक खाने का इंतजाम हो जाएगा। रुको, अचानक इतना सारा अनाज, जरूर कुछ गड़बड़ है, सावधान, यह शिकारी की चाल हो सकती है। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं और नहीं उठ सकता, मैं दाना चुगने जा रहा हूँ। दादा कबूतर को छोड़कर सभी दाना चुगने चले गए। भूख के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मुझे यहीं रहकर इनका इंतजार करना चाहिए। दादा कबूतर का शक सही निकला। वाह मजा आ गया, कितने स्वादिष्ट दाने हैं। वाह मजा आ गया, कितने स्वादिष्ट दाने हैं, आज तो जी भर के खाया। अरे अरे यह क्या, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? लगता है हम जाल में फंस चुके हैं, दादाजी सही कह रहे थे, बचाओ कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। इतने में शिकारी वहां पहुंचा। मजा आ गया, अब तुम सब मेरे कब्जे में हो। दादाजी दादाजी बचाओ बचाओ हमें। हिम्मत मत हारो, डरो मत,
एक साथ जोर लगाकर उड़ो, जाल भी तुम्हारे साथ उड़ने लगेगा। इस बार सभी ने दादा की बात मानी और खूब जोर लगाकर उड़ने लगे। अरे अरे, मेरा जाल, मेरे कबूतर, वापस आओ, वापस आओ। नहीं, उड़ते उड़ते कबूतर अपने दोस्त चूहे के पास गए, जिन्होंने उनका जाल काट दिया। और तब सभी ने दादा कबूतर और चूहों को शुक्रिया अदा किया और आगे से दादा कबूतर की सभी बातों को मानने की कसम खाई। काली बिल्ली। एक बिल्ली के दो बच्चे थे, एक पूरा सफेद और दूसरा पूरा ही काला। जब वो बड़े हो गए तो एक दिन बिल्ली ने अपने बच्चों को बुलाया और उनसे कहा, देखो बच्चों, अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, अपना भोजन स्वयं ढूंढना शुरू कर दो। काली बिल्ली और सफेद बिल्ली अपना भोजन लेने के लिए जंगल में घूमने लगे। अरे देखो, कितनी सुंदर सफेद बिल्ली है। हाँ हाँ, क्यों ना इसे खाना दिया जाए। अरे पीछे हटो, काली बिल्ली। मुझे तो इसे देखकर डर लगता है, इसे पहले जाने दो। काली बिल्ली यह सब देख बहुत उदास हो गई, क्योंकि सफेद बिल्ली बहुत सुंदर थी, सभी उसे प्यार करते और भोजन देते, लेकिन काली बिल्ली को कोई पसंद नहीं करता था। इसी बात का सफेद बिल्ली को बहुत घमंड हो गया। मुझसे सुंदर कोई नहीं, मैं हूँ सबसे सुंदर, सभी प्यार करते हैं मुझे, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहीं खा लेती हूँ। तुम तो बहुत ही बुरी लगती हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम जाकर कहीं एक जगह बैठ जाओ, इतना घूमने का कोई फायदा नहीं। काली बिल्ली अपनी माँ से यह बात पूछती है। माँ, सफेद बिल्ली को तो सभी प्यार करते हैं, पर मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। एक दिन सफेद बिल्ली को ना पाकर उसकी माँ परेशान होने लगी। पता नहीं अभी तक वो कहाँ है, कहीं मिल नहीं रही। काली बिल्ली अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ती है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सफेद बिल्ली को एक लड़के ने पकड़ लिया था और अपने घर में रख लिया था। काली बिल्ली ने जब उसे देखा तो उसकी मदद करने गई। यह क्या, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? एक लड़के ने, वो मुझे बहुत प्यार करता है, मगर मैं इस बंधन में बंधना नहीं चाहती, मुझे भी तुम्हारी तरह घूमना है, मुझे यहाँ से ले चलो। काली बिल्ली की आजादी देख सफेद बिल्ली को बहुत जलन हुई, मगर अब वो क्या करती, वो किसी के घर में बंद थी। जैसे तैसे कोशिश करके मौका पाकर काली बिल्ली ने अपनी बहन की मदद की और उसे भी आजाद करा दिया। हमें कभी रंग में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अप्पू हाथी। एक दिन अप्पू हाथी जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक वो एक बड़े से गड्ढे में गिर पड़ा। अरे इतना बड़ा गड्ढा, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा, ये क्या हो गया, मेरी नजर इस गड्ढे में क्यों नहीं पड़ी। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। तभी उसकी आवाज सुन वहाँ एक बंदर आया। बंदर भाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं गलती से इस गड्ढे में गिर चुका हूँ, मुझे बचा लो प्लीज। अरे भाई, मैं इतना छोटा सा बंदर, तुम्हें बाहर कैसे निकालूं? मगर तुम्हारी जान बचाना तो चाहता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं अपने सभी दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। ठीक है, पर जल्दी आना। अरे दोस्तों जल्दी चलो, बेचारा हाथी एक बड़े से गड्ढे में गिर चुका है। मगर हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, चलो हम उस गड्ढे में धीरे धीरे मिट्टी डालते हैं, कुछ ही देर में हमारा हाथी बाहर आ जाएगा, चलो चलो जल्दी करो। बंदर और उसके दोस्त जल्दी से हाथी के पास पहुँचे। तुम घबराओ नहीं हाथी, हम अभी इस गड्ढे में मिट्टी डालते हैं, ये भर जाएगा और तुम बाहर निकल आओगे। मगर कैसे, तुम्हारे हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं। कोई बात नहीं,
हम लगे रहेंगे काम में, घबराओ मत। चलो दोस्तों। सभी बंदर खूब जोरों शोरों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गड्ढे में डालते रहे। इस पूरे काम में बहुत देर लग गई, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे मिट्टी भरती गई और हाथी ऊपर आ गया। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। तुम्हारे हाथ भी दर्द कर रहे होंगे, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं हाथी भाई, आज से तुम हमारे दोस्त हो, हमें अपनी पीठ पर बिठाकर एक चक्कर तो लगा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। और इस तरह बंदर और हाथी दोस्त चल पड़े जंगल की सैर पर। वफादार घोड़ा बादल। चंदन के पास बादल नाम का एक खूबसूरत सफेद रंग का घोड़ा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चंदन अपने घोड़े पर बहुत मेहनत करता, उसे रोज अच्छे से नहलाता, अच्छा खाना खिलाता और घुमाने भी ले जाता। बादल भी चंदन की हर बात मानता था। एक दिन एक चोर की नजर घोड़े पर पड़ी। अरे इतना सुंदर और शांत घोड़ा, इतना आज्ञाकारी है, क्यों ना इस पर साफ किया जाए अपना हाथ, क्यों ना इस बार इसे ही चुरा लिया जाए। अगले ही दिन चोर मौका पाकर घोड़े को भगा ले गया। इस घोड़े को ज्यादा दिन अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है, इससे जल्दी ही बेच देता हूँ, कहीं पकड़ा ना जाऊं, इसका रंग ही बदल देता हूँ। चोर ने घोड़े को काले रंग से रंग दिया और उसे लेकर शहर की तरफ जाने लगा। बादल चंदन को याद कर रोता रहता। हे भगवान, मेरी मदद करो, यह चोर तो बहुत चालाक है, मुझे चंदन से दूर कर दिया, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। तभी बादल की नजर नदी किनारे बैठे चंदन पे पड़ी। चंदन को देखते ही बादल जोर जोर से हिनहिनाने लगा। चंदन को कुछ समझ नहीं आया। अरे ये घोड़ा मुझे देखकर इतना शोर क्यों कर रहा है, शायद ये मुझे कुछ कहना चाहता है। तभी अचानक बादल चोर को जोर से धक्का देकर नदी में कूद पड़ता है। अरे अरे ये घोड़ा, अरे इसे बचाना होगा। चंदन घोड़े को बचाकर बाहर ले आता है, मगर यह क्या, अरे इस घोड़े का तो रंग निकल रहा है, अरे भागो कहीं पकड़ा न जाऊं। यह सब देख चोर दुम दबाकर भाग गया। चंदन अपने घोड़े को पहचान जाता है और बादल अपनी समझदारी से अपने मालिक के पास वापस पहुंच जाता है। मछली रानी। सोनू और मोनू बड़े अच्छे दोस्त थे। एक दिन सोनू ने मोनू से कहा, आओ दोस्त सोनू, आज मछली पकड़ने नदी किनारे चलते हैं। हाँ यार, बहुत दिनों से कोई मछली नहीं पकड़ी, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त नदी किनारे पहुंचकर अपना अपना कांटा लगाकर मछलियों का इंतजार करने लगे। अरे बचो, अरे बचो, यह देखो किसी ने जाल डाल दिया है, किसी तरह अपनी जान बचानी होगी। रानी मछली बोली, तुम सब पीछे हट जाओ, मैं जाकर देखती हूँ कौन है। रानी मछली निडर तो थी ही, उस पर बाकी सभी मछलियों की जिम्मेदारी भी थी। जैसे ही रानी मछली आगे बढ़ी, तभी वो सोनू के जाल में फंस गई। बाकी सभी मछलियाँ यह देख बहुत परेशान हो गई। अरे ये क्या, अरे ये क्या, हमारी रानी मछली जाल में फंस चुकी है, हमें अपनी रानी मछली को बचाना होगा। अरे देखो इतनी बड़ी मछली, अरे वाह मजा आ गया। मोनू देखा तुमने, मेरे जाल में कितनी बड़ी मछली है, तुम तो शाम तक भी बैठो तो इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ सकते। अरे वाह मजा आ गया, मैं तो इतनी बड़ी मछली कभी नहीं पकड़ पाया, आज पहली बार इतनी बड़ी मछली, ओहो मैं तो बहुत खुश हूँ, थैंक यू भगवान, थैंक यू। तभी छोटी मछली ने रानी मछली को एक उपाय बताया। रानी जी अभी भी समय है, आप जाल से बाहर आ जाइए,
इस शिकारी का पूरा ध्यान तो खुशियाँ मनाने में है। रानी मछली ने इसी मौके का पूरा फायदा उठाया और जोर की छलांग लगाकर वापस नदी में पहुँच गई। यह देखकर मोनू जोर जोर से हंसने लगा। अरे सोनू, यह क्या हुआ? अरे मेरी मछली, अरे मेरी मछली, अरे मेरी मछली, अरे मेरी मछली। तुम्हारा सारा ध्यान मुझे चिढ़ाने पर था, देखा उसका अंजाम, तुमने अपनी पकड़ी हुई मछली से हाथ धो दिया। Please subscribe.